ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਸਮ ਮੈਂਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ एक है रेजोल्यूशन च लफज है आई रिकमेंड मेरा रिकमेंड नहीं डायरेक्ट होना चाहिए रिकमेंडेशन वाला लफज जड़ा है तो बड़ा होर तरह का रिकमेंड टू द स्टेट गवर्नमेंट इट शुड बी डायरेक्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशन बहुत हो चुकी हैं रेजोल्यूशन बहुत पै चुके सो तुसी लीगल लड़ाई लड़नी है किहो जी लड़ाई लड़नी है ये फैसला मान साहब का उन्होंने लोगों का जिन्होंने मैंडेट मिलया असी थोड़े नाल जिस तक आके चलेंगे जिस तरह की गल आप करेंगे सो मैं इस रेजोल्यूशन की प्रोड़ता करना तो यकीन दाना कि जो जहाँ भी गलबात रहेगी वो नाल डट के असी खलवांगे हाँ तगड़े होकर अगे लगो पंजाबी सानू वेख रहा दुनिया सानू वेख रही है लड़ाई दिन ब दिन सख्त होती जानी है अखीर जाके एसवीएल तक पानिया तक खड़ोनी है सोच विचार लो थैंक यू बहुत बहुत श्रीमान अमन अरोड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्पीकर साहब कि तुसी अज मैनू एक बहुत ही इंपोर्टेंट इशू के उपर बोलने का मौका दिता स्पीकर साहब मैं जो लीडर ऑफ द हाउस ने जो मता लिया मैं उसकी प्रोड़ता करने के लिए जो केंद्र सरकार वालों पंजाब के हितों के उपर डाका मारे जा रहा विरोध बोलन के लिए खड़ा होया स्पीकर साहब मेरे तो पहला सारे सत्कारयोग बुलारिया ने बड़े विस्तार के बड़ी वधिया गल्लां कीतियां ने मैं उन्होंने सारे की प्रोड़ता करता होया मैं यही कहना चाहूँगा कि पंजाब वो पंजाब जिन्हें पहले दिनों चाहे पार्टीशन की देश की वंड की लड़ाई होवे चाहे भुखे देश का ढिड भरन की गल हो वाइट रेवोल्यूशन के वेले चाहे अतवाद अगे होकर लड़ाई लड़न की गल हो सारे देश की लड़ाई लड़ी उस तो बाद मैं समझदा कि जो इन लड़ाइया लड़न तो बाद समय समय जो सरकार रही तो जो 2014 के देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने और उन तो पहला वह गुजरात के मुख्यमंत्री सी उदो एक गल बड़े प्रोमिनेंटली कहा करते सीगे फेडरल स्ट्रक्चर बारे कहा करते सीगे कि केंद्र सरकार और राज दी सरकारां ने जिहड़ियां दे शुड वर्क इन टैंडम दे शुड वर्क एज एल्डर एंड यंगर ब्रदर वड्डे ते छोटे भरा वांगू उन्हां नूं काम करना चाहीदा है पर जदों दे बीजेपी की 2014 तो सरकार आई है गल्लां बातां तौर तरीके सारा कुछ ही बदल गया ते अज जिहड़ी स्टेट दे विच उन्हां दी सरकार नहीं हुंदी उहदे नाल मतरेई मां वाले सलूक ही नहीं कीता जांदा धक्के कीते जांदे ने दिल्ली दे विच जिस तरीके दे नाल दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दी उन्हां दी पॉपुलैरिटी नूं देखदे दो दिन पहलां उन्हां दे उपर हमला होया आ तीन दिन पहलां पंजाब नूं खत्म करने के मकसद दे नाल जिहो जिहा सेंट्रल सर्विसिज रूल अपलाई किए गए ने नोटिफिकेशन की गई है मैं समझदा कि किसी भी स्टेट नूं ओह उठदा देख नहीं सकते हैगे अज आपां जदों पंजाब की गल करदे आ ते सारी उम्र पूरे देश की लड़ाई लड़न के बाद चाहे आपां पंजाब दे नाल मतरेई मां दा धक्का होया SYL नूं लेके गल कर लीए चाहे गुआंढी राज्यों की इंडस्ट्री में इंसेंटिव दे के पंजाब की इंडस्ट्री खत्म करने की गल कर लिए चाहे समय समय सिर GST ते RDF दा आपका हक आपका रिफंड लैण दे लई सानू बार बार उत्थे सदे जांदे कि मंगते बन के कटोरा अगे करो चाहे तीन खेती कानूनों के जरिए पंजाब नू खत्म करने की गल कर लिए चाहे इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 के जरिए पंजाब दे हक्कां दे उपर डाका मारन दी गल कर लिए
चाहे बीबीएम के हकों की गल कर लिए, चाहे सेंटर फोर्सेस का दा दायरा 15 से 50 किलोमीटर करने की आप गल कर लिए, ते हुण सेंटर सर्विसेज रूल जिहड़े लेके आ रहे ने, इहदे नाल मैं समझदा कि हरेक समय उन्हां दी इक्को ही कोशिश हुंदी है कि पंजाब नूं खतम, पंजाब नूं बर्बाद कर दिता जावे। और यह जो सेंटर सर्विसेज हुण ठीक है कि केंद्र सरकार ते बीजेपी के नुमाइंदे बड़ा कहिंदे जी कि इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैणा हैगा, पर सही मायने दे विच सर जिहड़ा थोड़ा बहुत भी क्लेम हुण तक दीआं माड़ीआं नीतियां दी वजह करके चंडीगढ़ दे उपर बचे ना, इहदे नाल उह भी खतम हो जाणा है, क्योंकि इन्हां ने जिहड़े 60-40 की रेशो जिहड़े सेंटर सर्विसेज रूल्स ने उहदे विच किते परसेंटेज कोटे दे बेसिस दा कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्रावधान ही नहीं है, और ना ही कोई अश्योरेंस दिती गई है, ना ही कोई कमिटमेंट दिती गई है कि तुहाडा इह कंटिन्यू रहेगा। तो उस तों बाद जब एक बार बाहरले राज्यां दे मुलाजम इंपलॉइज इत्थे आ गए, तो हौली हौली जदों कदे पंजाब चंडीगढ़ के उपर हक जताने की गल करूगा, तो उही सब तो वड्डी अड़चन बन जानी है, क्योंकि इंपलॉइज तो जी इत्थों दे है ही नहीं गए। सो इस करके एक बड़ी कोझी बड़ी माड़ी सोच दे नाल इह सारे दा सारा स्ट्रक्चर है जिहड़ा स्ट्रक्चरल चेंजेस जदों हो गईआं ते पंजाब दे नाल जिहड़े दे उपर जिहड़ा माड़ा मोटा क्लेम हुण रह गया तकरीबन 55-56 साल दे ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन तों बाद उह भी इन्हां ने खत्म कर देना। मेरे तो पहला मेरे सारे ही सत्कारयोग साथियों ने गल की, एली साहब ने भी की के और सीएम साहब ने भी की कि जब कदे भी रीऑर्गेनाइजेशन हुई है स्टेट्स की, सर चाहे तो आप गल कर लिए जो गुजरात महाराष्ट्र के विचों निकलिया 1 मई 1960 नूं, ते उदों मुंबई सी जिहड़ी उह महाराष्ट्र कोल ही रही, उस तों बाद आपां यूपी दे विचों उत्तराखंड निकलिया 9 नवंबर 2000 नूं, ते लखनऊ यूपी कोल रही, उन्हां ने आपदा देहरादून अड स्टेट बनाई। इस तों बाद छत्तीसगढ़ निकलिया एमपी दे विचों 1 नवंबर 2000 नूं, पंजाब दी रीऑर्गेनाइजेशन दे 34 साल बाद भोपाल एमपी कोल रह गया, उन्होंने आपकी नवी रायपुर बनाई। बिहार दे विचों झारखंड निकलिया 15 नवंबर 2000 नूं, पटना उन्हां कोल ही रह गया, उन्होंने रांची झारखंड वाले ने आपकी अड स्टेट आपकी अड जिहड़ी राजधानी उह बनाई। इसे तरीके तेलंगाना आंध्र प्रदेश दे विचों उन्होंने 10 साल का डेफिनेट पीरियड है जिहड़ा उह 2024 तक डिसाइड किया, ते इत्थे पंजाब दे विच 1966 की पंजाब की रीऑर्गेनाइजेशन हुई 1966 की, अज 56 साल हो गए, हजे तक उदों के बीजे हुए कंडे ने जिहड़े उह हजे तक आपां लोक चुगी जांदे आ हजे तक 56 साल बाद। सो इस करके इह बड़ियां कोझियां चालां ने जिहड़ियां इह पंजाब के खिलाफ चलियां जांदियां रहियां ने। और मेरे तो पहला बाजवा साहब ने प्रताप सिंह बाजवा जी ने गल की, मैं थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि जिहड़ा अज साडी आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान जी की सरकार मान साहब लेके आए ने, यह मता कोई पहली बार नहीं आया है, इस तो पहला भी 6 बारी मते ने सर वो इस हाउस के आ चुके ने। सर 18 मई 1967 के आचार्य पृथ्वी सिंह आजाद जी लेके आए, सर गुरनाम सिंह जस्टिस गुरनाम सिंह की वजारत सी उदों, सर 19 जनवरी 1970 नूं चौधरी बलबीर सिंह लेके आए, उदों भी सर जस्टिस गुरनाम सिंह की सरकार सीगी, सर 7 सितंबर 1978 नूं सर सुखदेव सिंह ढिल्लों लेके आए, उदों सर प्रकाश सिंह बादल जी की सरकार सीगी, सर 31 अक्टूबर 1985 नूं सर बलदेव सिंह मान लेके आए, उदों सर सुरजीत सिंह बरनाला जी की सरकार सी, सर 6 मार्च 1986 नूं ओम प्रकाश गुप्ता जी लेके उदों भी सर सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार सीगी, सर उस तों बाद 6वीं वारी 23 दसंबर 2014 नूं सर इकबाल सिंह झूंदा लेके उदों भी सर प्रकाश सिंह बादल की सरकार सीगी। सर यह 6 मते वह ने जिन्हां दे विच एक बार भी मेरे सत्कारियों कांग्रेस के साथी गल कर रहे थे, एक बार भी मता जिहड़ा सर यह एक कांग्रेस की सरकार वेले नहीं आया है, एक बार भी नॉट इवन सिंगल वंस मता पैंदा रहा। उपर केंद्र दे विच 4 वारी इन्हां समय दौरान कांग्रेस की सरकार सीगी, जिहदे च 2 वारी इंदिरा गांधी जी की, राजीव गांधी जी की और
डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रही पर 24 साल और सर मैं दसना चाहूंगा कि 24 साल 1966 जिंदा पंजाब रीऑर्गेनाइज होया ना जी 24 साल पंजाब दे विच कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है 24 साल ते एक बार भी मता पेश नहीं होया हैगा एक बार भी 26 साल रही है इन्हां 1 नवंबर 1966 तो बाद जदों दा पंजाब रीऑर्गेनाइज होया 26 साल रही है केंद्र दे विच कांग्रेस पार्टी की सरकार 24 साल इत्थे ते 26 साल उत्थे सर मेरे बहुत ही सत्कारयोग ने सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा साहब मेरे वड्डे भरा भी ने मैं इन्हां दी प्रधानगी च काम भी कीता है इन्होंने दिल्ली भी इन्होंने लोक सभा दे विच भी बहुत वधिया काम कीता ते इत्थे उम्मीद करदे आ कि बहुत वधिया काम करनगे सारी सारी कांग्रेस पार्टी सर इन्होंने एक गल कीती कि असी कहड़ा मक्खियां मारियां ने सर इन्होंने मक्खियां तो नहीं मारियां पर मैं दसना चाहूंगा प्लीज माइंड ना करो कि थोड़ी कांग्रेस पार्टी ने थोड़ी कांग्रेस पार्टी दियां पंजाब दियां सरकारां ने ते थोड़ी कांग्रेस पार्टी दियां केंद्र दियां सरकारां ने मारियां तो हुण तक मक्खियां ही ने मारियां तो मक्खियां ही ने सर कमाल होगी सर 24 सर सर मैनू बोल लैंदे सर सर तुसीं वड्डे भरा मैनू बोल लैंदे ऐ ना करो जी चलो हुण सर ऐ ना करो जी बाजवा जी बाजवा जी तुसी सन्मानयोग मेंबर हो सर मैं बोल चुके हो सर मैं सर तुसी सन्मानयोग मेंबर हो बाजवा जी अच्छा सदन चलन दो सर सर गल इनी है जी। सर एक गल होर हुई जी, जी। एक गल ए हुई के आज जी 1 अप्रैल आले दिन बड़ा नॉन सीरियस डे है जी उस दिन मता क्यों लेके आउंदा सर मैं पूछना चाहना जी सर एक मिनट जी मेरी बेनती सुन लो जी ऐना करो धक्का ना करो यार छोटे भरा मेरी बेनती इनी है सर 70 साल हो गए पंजाब नाल कुछ मजाक ही तो चली आउंदा जी एक दिन नॉन सीरियस डे दिन सर मैं पूछना चाहना जी कांग्रेस नूं भाजी तोड़ दो भाजी बहता जाओ भाजी बहता जाओ गल तो सुन लो जी सर 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 अच्छा बाजवा साहब मेरे गल ही दो रह गई जी सर दिन नॉन सीरियस हो सकता है मान ली गल इन्हों सर इशू सीरियस है कि नॉन सीरियस है दस दिन मैनू इशू दिन वोट करो जी मैं मानयोग मैंबरां नूं बेनती करदा कि बहस नूं अगे चलन दईए सर जी अमन जी जी चेयर नूं एड्रेस करो हां सर मैं तो चेयर नूं एड्रेस करना सर बाजवा साहब नजर रायत हो जाती मेरे बहुत ज्यादा प्यार करते ने मैं तो इस करके डिस्टर्ब हो जाता सर मेरी बेनती सर इनी है कि 24 साल इन्हां दी सरकार उरे रही है 26 साल इन्हां दी सरकार रही है केंद्र दे विच ते अज हजे भगवंत मान जी दी सरकार बनी नूं 24 दिन हो ही नहीं हैगे ते इह मता असीं लैंदा ते मता असीं लैंदा साडी सीरियसनेस नूं जे इह क्वेश्चन करनगे ना ते पलंदे इन्ने ने के इन्हां नूं जवाब नहीं लभणे हैगे सो मेरी तुहानूं बेनती इन्नी है एक गल होर कीती गई है कि SYO दी गल हुई है ठीक है बहुत चंगी गल है सर मैं तुहानूं कांग्रेस पार्टी वल्लों गल आई है कि SYO दी गल होनी चाहीदी है सर मैं तुहानूं हत्थ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि एक स्पेशल सैशन है ना जी वह SYO दे उपर ही रख लीए SYO दे उपर ही क्योंकि यह एक पानी च बधाणी 60 साल हो गए इह जी पा के रखी है कि उहदे उपर ही कई बार सरकार बन लिया कई बार ढहियां पतनाला उत्थे दा उत्थे सर जदों पुछा जाऊगा ना कि 24/3/76 क्यों कांग्रेस की सरकार ने
ਇਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਸਟੇਚਰੀ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਕਿ 2278 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਕਿ 4778 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ 3179 ਨੂੰ 79 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ 31/12/1981 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟੀਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟੀਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਾਈਪਾਰਟੀਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ 23/4/1982 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਐ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਰਹੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਜੂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 23/4/1982 ਨੂੰ ਉਸੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਉਂ 8/4/1982 ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂ 24/7/1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਵਾਰੀ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵਾਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 78 ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਰੱਖਣਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਟਿੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ਚਾਹੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ਚਾਹੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ 7-7 ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਰੱਗ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਸਰ ਅੱਜ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਸਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਕਾਹਦੇ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਕਾਹਦੇ ਸਰਦਾਰੀ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਸਰਮੋਰ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਲੈ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਰਮਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਜੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੀਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਡਾਟਾ ਪਲੇ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 1929 ਤੇ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂੰਨ